देश के नौजवानों को आप बहुत कुछ आने वाले दे सकते हैं। विक्टरी तो दे दिए हैं, लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं। अपने आप में एक आपके पास एक अथॉरिटी है नाउ। चहल क्यों सीरियस है? हाँ? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पीछे पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत, मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने, पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने मार्क किया होगा, लेकिन रोहित, मैंने दो एक्सट्रीम चीजें देखी इसमें। मुझे इमोशंस नजर आ रहा था, और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है सर, उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे, तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना, चलकर कुछ अलग करना। तो ये चहल का आइडिया था क्या? चहल और कुलदीप, चहल और कुलदीप। अच्छा। आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है, प्लेयर के नाते तो शायद पुरानी आपकी अमानत थी, उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे, ये क्योंकि आपने उस समय काफी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था कि आज आपने इतना कर लिया, जितना कर लिया, तो मुझे हमारे साथी बताते थे। थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इसके पीछे सर नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि एक डेढ़ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफी टफ टाइम चल रहा था, वो मेरे को याद है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज्यादा दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, बट जब आपको कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो मेरे को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो पिछले डेढ़ दो साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे मां से बात किया था, मैंने दो बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टर से मैंने ओपिनियन लिया था, फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, हम चिंता करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी मां के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था,
लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। ये ना बड़ा 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 गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी मां मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा, ये मेरा मन में विचार आया था उसी समय आया था जी, और आपने करके दिखाया जी। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा, मैंने आपसे बात किया, किसी का दोष नहीं है, मेरा दोष है, ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना कोई भी बहाना निकालता, गड्ढा था, डिकना था, फलाना था, आपने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती थी। शायद ये आपका जीवन के प्रति जो ओपननेस है, और मैं छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ दोस्त, और हर किसी से सीखता हूँ। तो मैं सच बताता हूँ, आपका जीवन देश के पेशेंट्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर वे पक्का बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे जी। और मैं जानता हूँ जो विकेट कीपर होते हैं उनकी जो कोचिंग होती है कितनी कठिन होती है, घंटों तक अंगूठे पकड़ा के खड़ा रख देते थे, लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है, तो बहुत बड़ा काम किया है जी, बधाई आपको। थैंक यू सर। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक जो लंबी तपस्या होती है वो समय पे काम आती है। आपने खेल में जो तपस्या की है वो जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। विराट बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया, और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए मुझे पहले चार बॉलों में तीन चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है एक रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहां पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है टीम के लिए, क्या जरूरी है इस समय पे, सिर्फ वो ही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंध गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है, तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें जिस तरीके से मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहां से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक एक बॉल में, कि मैच यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है। एक एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी, उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं बुला पाऊंगा अपनी जिंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबको लग रहा था विराट के कि टोटल आपका 75 और बाद में एकदम 76। तो कभी कभार ये पल होती है जी जब सब लोग कहते हैं यार तुम भी कर लोगे, वो भी एक बार करा के ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। लेकिन परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे तो? अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज्यादा है तो परिवार से ज्यादा बात नहीं हुई, मेरी मम्मी ज्यादा टेंशन ले लेती है। पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी
कुछ और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था। नहीं सर, मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूं तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूं, चाहे नया बॉल हो या सिडनी खा के जाते हो क्या माता? नहीं 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 कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को उस सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूँ। और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहां मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया। जितना मैंने क्रिकेट को देखा है, हमेशा देखा 90 के बाद कितना ही विक्टरी का मूड हो, सब कुछ हो, फिर भी जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। 90 के बाद वो वैसा ही, लास्ट ओवर हो, हार जीत एक बॉल के सहारे हो, तो कितना बड़ा तनाव होता होगा। ऐसे में उन समय कैसे आप संभालते हैं अपने आप को? अगर मैं सोचूंगा कि हार जाएंगे या मेरे को मैच में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं शायद गलती कर दूंगा या नर्वस हो जाऊंगा, या क्राउड को देखूं या नर्वस होकर दूसरे लोगों को देखूं तो शायद मेरे से गलती हो सकती है। तो मैं उस टाइम फोकस करता हूं अपने आप के बारे में, सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने टीम को हेल्प कर पाया हूं, तो उस वो सब चीजें याद करने की कोशिश करता हूं कि अच्छे दिन में मैंने टीम को कैसे हेल्प किया है, तो वो सब चीजें याद करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं है। नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। पर या बहुत अच्छा सिनेरियो रहा, बहुत बैक टू बैक हम ट्रैवल भी कर रहे थे, तो एज ए टीम बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते, इतना इमोशंस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत प्राउड फीलिंग है, और इससे बेटर फीलिंग मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं की। बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन देश प्राइड कर गर्व होता है सबको। हार्दिक बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बुलाने के लिए हमें, और वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहां ग्राउंड पे गया हूं और पब्लिक ने बूइंग किया है, बहुत सारी चीजें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते ना, एक आप हमेशा झगड़ते रहते, मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे, और सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन कोच सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था, और बस प्रिपरेशन किया और तैयारी की, और ऊपर वाले तकदीर भी ऐसी दी गई, लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं, वो ओवर तो आपके हिस्टोरिकल हो गए, लेकिन सूर्या को क्या कहा आपने? सूर्या ने जब सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन, हम लोग सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिए कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया, कि तूने तो उसने बोला कि नहीं नहीं और मतलब गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया, जहां से पूरी हम जहां टेंशन में था वहां से सब खुशी में चले गए। सूर्या खो गया सर। सर वो मोमेंट पे बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, मतलब पहले ये नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा, ये था कि बॉल ढकल दूंगा अंदर, एक रन हो दो रन हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थी। और एक बार जब आ गया हाथ में तो फिर यही था कि उठा के दूसरे साइड दे दूं, फिर देखा रोहित भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे,
और उड़ाया और आ गया हाथ में। बट ये चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से। एक चीज के बारे में मैंने सोचा था कि बैटिंग तो मैं करता ही हूँ खाली, लेकिन वो खत्म होने के बाद और किस चीज में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम को, फील्डिंग में और किसी। क्या ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि जिसमें बाहर बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना कैच करना? सूर्य ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। टोटल मतलब सर टूर्नामेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपीएल से जब आ रहा था तब बहुत सारा ऐसा कैचेस पकड़ा था, तो बट पता नहीं था कि भगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए। बट ऐसी प्रैक्टिस की हुई थी पहले से, इसीलिए वो सिचुएशन में थोड़ा इतना काम था और पता था कि ऐसे सिचुएशन पहले आ चुकी है। बट कोई पीछे स्टैंड में बैठा नहीं रहता वो टाइम पे, बट इस टाइम पे ज्यादा लोग बैठे थे। बट बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट में रह के। मैं बताता हूँ जी, मैं इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि एक तो पूरे देश का एक मिजाज उतार चढ़ाव बड़ा तनावपूर्ण था, और उसमें से पूरी परिस्थिति पलट जाए ये घटना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है। और आपकी जिंदगी के साथ ये जुड़ गई तो आप तो बहुत बहुत लकी इंसान हो यार। एक और स्टार लग गया सर, अच्छा लग रहा है। बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आपके पिताजी का एक स्टेटमेंट पूरे देश में बार बार चर्चा हो रही है, उनको जब पूछा गया तो बड़ा मैंने दिल को छूने वाला जवाब है इनके पिताजी का। उन्होंने कहा देखिए पहले देश बाद में बेटा, ये बहुत बड़ी बात है जी। सर थैंक यू, पहले तो आपने मौका दिया हमें आपसे मिलने का, एंड उसके बाद क्रिकेट को लेके बहुत बढ़िया फीलिंग है सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट हम जीते हैं, एंड बॉलिंग में मैंने पहले भी जैसे बताया कि बहुत अच्छा लगता है जब जस्सी भाई साइड से बॉल डालते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर बना के रखते हैं बैट्समैन पे, और बैट्समैन मेरे को ट्राई करते हैं तो मेरे को विकेट्स मिलते हैं काफी सारे, और बाकी भी बॉलर्स ने बहुत अच्छे से गेंदबाजी की है तो मैं कहूंगा उसका फल मेरे को मिलता रहा, एंड वही काफी मजा आ रहा था मेरे को, विकेट्स मिल रहे थे, एंड क्रेडिट सारी टीम को जाता है। अक्षर जब स्कूल में खेलता था तब एक बार मुझे शायद उसको प्राइज देने का मौका मिला था 8 स्टैंडर्ड में। मेरा खुद तो खेल की दुनिया से रहा नहीं, लेकिन मैं खेल जगत में कुछ भी अगर हलचल होती है तो मेरा मन उनके साथ लग जाता है। वो कैच में यही था, उनकी पार्टनरशिप बनी हुई थी, पहले ओवर में विकेट गिरा था, उसके बाद गिरा नहीं था, और जब कुलदीप बॉल डाल रहा था तो मैं जिस तरफ खड़ा था उस तरफ ही हवा चल रही थी, तो मैं खड़ा था और उसने जब शॉट मारा तो मुझे लगा कि इजी कैच हो रहा है, बट वो हवा के साथ इतना तेज जाने लगा तो मैं पहले सोच रहा था मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगा, लेकिन जब बॉल गया तो मतलब ये तो राइट हैंड पे जा रहा है, तो फिर जंप मैंने मारा उस टाइम पे, और जब हाथ में इतना जोर से आवाज आया उस टाइम पे मुझे कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाथ में पकड़ लिया है मैंने, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 9 बार छूट जाते हैं ऐसे कैच, बट लकी था कि वर्ल्ड कप में इस टाइम पे जब टीम को जरूरत थी तब वो कैच पकड़ लिया मैंने। तो अमूल का दूध काम कर रहा है। नड़ियाद नो चवाड़ ऊपर नड़ियाद टप टप आने की थोड़ी दिक्कत थी, अक्षर को ढोकला दिखा। अच्छा कुलदीप कहे कि देशदीप कहे? सबसे पहले सर देश का ही हूँ तो ऑब्वियसली सर भारत के लिए सारे मैच बहुत अच्छे लगते हैं खेलने में, बहुत मजा भी आता है, बहुत प्राउड भी फील करता हूँ, और टीम में मेरा रोल भी वैसा ही अटैकिंग स्पिनर का, तो हमेशा मिडिल ओवर में बॉलिंग करता हूँ, तो कैप्टन और कोच का हमेशा प्लान भी रहता है और रोल भी मेरा यही है कि विकेट निकालो मिडिल ओवर में, तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मिडिल ओवर में विकेट निकालूं, और फास्ट बॉलर अच्छे स्टार्ट दे देते हैं, एक दो विकेट निकाल देते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है मिडिल ओवर में बॉलिंग करना, सो काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। 3 वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ और ये अच्छा मौका था, ट्रॉफी उठाया तो बहुत खुशी हो रही है। तो कुलदीप तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नहीं चाहा। अरे सर वाह बहुत भाई चाहिए। मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं तो मैंने उनको ही बताया कि ये कर सकते हैं।
पर जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने। शिकायत है हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया और देशवासियों के सारी आशा अपेक्षाओं को आपने जीत लिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आमतौर पर मैं देर रात दफ्तर में काम करता रहता हूं तो, लेकिन इस बार मैं टीवी भी चल रहा हूं सब भाई भी चल रही थी ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था भाई में लेकिन आप लोगों ने शानदार अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, तो हड़बड़ी नहीं थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का। और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहां पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाई है, बहुत मैचेस में फाइनल में जाके भी वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडिट है इसमें। बहुत मेहनत की है इन लड़कों ने। बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, जो यंग जनरेशन आएगी, ये लड़के भी इंस्पायर हुए हैं। 2011 का जो विक्ट्री थी उसको देख के बड़े हुए हैं काफी ये लड़के। तो अभी इन लड़कों ने ये परफॉर्मेंस देख के आई एम श्योर लड़के लड़कियां हमारे देश में इन लोगों को हर स्पोर्ट्स में बहुत इंस्पायर किया है। तो हम पहले शुक्रिया देना चाहते हैं आपका और सिर्फ इन लड़कों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बधाई तो आप लोगों को है भाई।